सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। गाइज, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क मल्टीप्लेयर के। तो गाइज, आर्क मल्टीप्लेयर के पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा, तुम्हारा भाई मन किया था खतरों का खिलाड़ी, और यहाँ पे वाइब्रेंट वैली में भाई नल्ला सा पीटी लेके जाके जो है ना गाइज, ये कौन सज्जन भाई हमारे घर के बाहर खड़े है भाई, इनको कोई काम भी नहीं है क्या भाई? तो हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं भाई सज्जन, पता नहीं भाई क्यों आए हुए भाई, अपन अंदर चलते। तो गाइस, पिछले एपिसोड में अपन खतरों के खिलाड़ी बने थे, एंड उसके बाद जो है ना भाई, हमने वहाँ से तीन भाई खतरनाक से लाइटनिंग वाइब्रेंस के जो है ना भाई अंडे ढाप लिए थे, और आज के एपिसोड में उन्हीं अंडों को जो है ना भाई यहाँ पे हैच करने की अपन कोशिश करने वाले। एंड प्लस गाइज, यहाँ पे जो है ना भाई आज के एपिसोड में इस पिटारे में, ये एक पिटारा आपको बताया होगा, मैं स्टार्ट काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि मैं इसको खोल के देखूंगा, इस पिटारे में जो ना भाई क्या है वो भी आज के एपिसोड में अपन देखने वाले। लेकिन गाइज, आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले पहले इसको रिप्लाई दे देता भाई, ठीक है? ले बेटे, ले ले। तो गाइज, आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बनते होंगे यार चैनल पे, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके गाइज, यहाँ पे हमारा जो गोल है 1,34,000 सब्सक्राइबर का जल्दी से कंप्लीट कर देना। एंड गाइज, यहाँ पे जो ना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद्यानी के चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो गाइज, ये रहे वो खतरनाक से तीन तीन अंडे, एक तो 540 लेवल का लाइटनिंग वाइब्रन अंडा, दूसरा है गाइज यहाँ पे 165 लेवल का लाइटनिंग वाइब्रन अंडा, एंड तीसरा भी है 165 लेवल का लाइटनिंग वाइब्रन का अंडा। तो ये सारे अंडे अपने इन्वेंटरी में लेके सबसे पहले तुम्हारा भाई जाने वाला है यहाँ पे ऊपर। ये क्या गिरा भाई, ये क्या है? नोट, अच्छा नोट दे रहा है, अबे लव लेटर भेज रहा है क्या ये? जी भाई, ये लव लेटर अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को मेरे अंडे डालने दो भाई, ठीक है? तो ये लाइटनिंग वाइब्रेंट के तीन अंडे जो अपन ढाब के लाए थे ना भाई, चुरा के लाए थे, इनको यहाँ पे डाल के ये एक्टिव कर लेते हैं। एंड अभी इसके अंदर मस्त देखिए हमारे अंडे जो है ना भाई वो एकदम ओपी तरीके से हैच होते रहेंगे। अभी इसने लव लेटर में क्या भेजा है भाई देख लेते हैं भाई, ठीक है? अच्छा ये, अच्छा ये भाई, अच्छा भाई, अच्छा ये बोल रहा है कि वो बॉक्स, अच्छा ये इसने लगाया, इस लोंडे ने बॉक्स लगाया है, और बोल रहा है आके जो है ना भाई ये, भाई ये बॉक्स ओपन करके देख लो भाई, ठीक है? वैसे भी मैं ओपन करने वाला था, ये आ गया भाई, ठीक है चलो आ जाओ भाई। तो इस बॉक्स में जो है ना भाई, इसने भाई यहाँ पे एकदम खतरनाक सा जो है ना भाई अपन के लिए गिफ्ट दिया हुआ है, देख लेते क्या भाई। रॉक ड्रेक के अंडे दिए क्या? वेट अ मिनट, अबे तो घर में बनाए हुए रॉक ड्रेक के अंडे, ये एक्चुअली में वो रॉक ड्रेक के अंडे नहीं जो नेस्ट में से मिलते हैं। आप बोलोगे तुमको कैसे पता चला? तो गाइस यहाँ पे अगर ये अंडे वो होते हैं ना जो आप उनको नॉर्मल नेस्ट में से मिलते हैं, तो यहाँ पे मम्मी और पप्पा का लेवल सेम सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो उसके मम्मी का और पप्पा का अलग अलग लेवल है, और इस बंदे ने सीधा तीन तीन रॉक ड्रेक के अंडे दे दिया भाई। चलो भाई नेकी और पूछ पूछ, अबे यार निकाल नहीं पा रहा क्या? ले रहा है, ले पा रहा है। चलो भाई अगर दे रहा है भाई, भाई यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं एक भाई। अब ये नोट कैसे लिखते हैं भाई? ये भाई ये नोट कैसे लिखते हैं? अच्छा यहाँ से नोट लिख सकते हैं क्या? सामान है क्या नोट लिखने के लिए? हाँ अभी यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स ब्रो। अच्छा किस वाला सिंबल? अच्छा किस वाला सिंबल तो नहीं दे सकते, ये ले भाई एक थैंक्स ब्रो लिख के जो है ना भाई किधर चला गया, थैंक्स ब्रो वाला नोट इसके अंदर अपन डाल देते हैं भाई, ठीक है? ऑल राइट भाई, ये क्या? अच्छा इसने एक और नोट लिख दिया भाई, भाई ये लव लेटर कुछ भाई 70% होगा भाई सेवन। अच्छा अच्छा ये आया, ओके ओके ओके, ये वो उसका पासवर्ड बता रहा है। अच्छा पासवर्ड नहीं बताया जाता भाई, बाद में कोई ऑनलाइन आ गया तो तेरे बक्से में से भाई अंडे डाल के लेके चला जाएगा भाई, ठीक है? अभी ये अंडों को अपन भाई फिलहाल के लिए यहाँ पे रखते हैं, इनको अपन हैच करने का काम नहीं करेंगे, इनको मस्त अभी की फ्रिज में रख देते हैं। एंड भाई यहाँ पे जो ना आज के एपिसोड में जो है ना भाई, रुक जाओ, इसको अपन थैंकू बोलेगा, थैंकू ब्लो, इसको आगे ऐसा सिम्बॉल भी डालेगा, ऐसा तो सिम्बॉल भी डालेगा, ले डन 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 भाई, ठीक है चलो। तो गाइस यहाँ पे जो ना भाई आज के एपिसोड में अपन क्या करेंगे, आज के एपिसोड में जो ना ये लाइटनिंग वाइब्रेंट के अंडे अपन हैच करेंगे, फिलहाल के लिए धीरे 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 करके लाइटनिंग वाइब्रेंट के अंडे यहाँ पे हैच हो रहे, तो इनको मस्त दबे के हैच होने दो। जैसे ये हैच हो जाएंगे ना उसके बाद आपसे मिलते और आपको दिखा देता हमें छोटे छोटे से पहले पहले से भाई वाइब्रेंट, वो भी लाइटनिंग वाले गाइस, ठीक है? लेट्स गो, थैंक्स भाई आपने एक्सेप्ट किया, बाप रे एक्सेप्ट करा भाई, भगवान है क्या भाई, हम क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? फोकट की चीज मिलेगी ना वो फटाफट कच्चा भी हुआ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है? तुमने तो रॉक ट्रिक के अंडे दिए थे भाई, चलो लेट्स गो। तो अभी जो ना गाइस ये अंडों को मस्त अभी के हैच होने दो, तब तक हम यहाँ पे, अरे यार ऐसा ही, ए भाई रुक जाओ, ए भाई एक चेयर बना भाई इसके, रुक जाओ चेयर भाई, ये चेयर अनलॉक्ड ही नहीं है क्या भाई? इनग्राम भाई मैंने ऑल इनग्राम अनलॉकर डाल के रखा है, अनलॉक क्यों नहीं हो रहा फिर? ले बेटे
भाई तब तक जो है ना गाइस आ रहे वॉइस क्या कि इधर नहीं वेट करेंगे अपन, अपन जो है ना भाई ऊपर चेयर लगा के उस डोडो के सामने बैठ के वहीं पे इंतजार करेंगे भाई, ठीक है यहीं पे इंतजार करेंगे भाई। इसके कैसा लगता है चेहरा, ऐसा ना यहीं पे बैठ के भाई इसके क्या इंतजार करेंगे भाई आईशा बस। और इसके अंदर ऐसा देख सकते हैं क्या अपन, नहीं देख सकते ना, नहीं देख नहीं सकते भाई, ठीक है ऐसा बैठ के इंतजार करेंगे कब अंडे हैच होते हैं, और जैसे अंडे हैच हो जाएंगे ना अपन भाई उनको बाहर निकाल के आपको दिखा देंगे गाइस, ठीक है। रुको गाइस शबल करो, रुको जला शबल करो गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो है ना भाई फाइनली हमारे छोटे छोटे से क्यूट से बेबी ड्रैगन निकलने वाले, ड्रैगन नहीं सॉरी वाइब्रन भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना भाई डोडो ने आपने डोडो ने भाई नाम क्या था भाई इसका, आई थिंक हैचरी यस भाई, ये हैचरी ने जो है ना भाई अपना काम यहाँ पे कर लिया है और हमको सिर्फ अंडे यहाँ पे डाल देने और उसके बाद ये हैच हो जाएंगे भाई, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम है और 15 सेकंड में जो ना भाई सारे के सारे अंडे यहाँ पे हैच होने वाले एंड उसके बाद बुल्लू तबाही मचने वाले है। हमारे क्यूट से छोटे छोटे से 3 लाइटनिंग वाइब्रेंट जो है ना भाई वो यहाँ पे बाहर निकलने वाले गाइस, ठीक है। हियर वी गो 1, ओ भाई साहब लाइट से निकल गए भाई, 2 एंड उसके बाद 3 भाई, और तीनों के तीनों लाइटनिंग वाइब्रेंट जो है ना भाई तीनों को जो ना भाई एक तरह का जो है ना भाई यहाँ पे कलर मिला हुआ है भाई, ठीक है। रुक जाओ मैं आपको जो ना इनको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना भाई आज के इस एपिसोड का काम तो अपना खत्म हो चुका है, अगले एपिसोड में जो हमारे मित्र ने प्यारे प्यारे रॉक ड्रेक के अंडे दिए ना भाई वो हैच करने का काम अपन करेंगे, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा भाई, रॉक ड्रेक बोले तो एकदम ओपी होता है ना मेरे बाजी, ये देख रहे हो खतरनाक से 3 अंडे उसमें से 2 तो हैच है और 1 भाई हैच होना बाकी है भाई, फुल टू मजे ही मजे आने वाले भाई। ओ 1 मिनट रुक जाओ, जो वाइब्रेंस मेरे को मिले इसमें मेल फीमेल है क्या, ओ यस मेल फीमेल है गाइस, ठीक है। आई थिंक 1 मेल है एंड 2 फीमेल है यहाँ पे गाइस, ठीक है 1 मेल एंड 2 फीमेल है गाइस आई थिंक भाई, ठीक है। रुक जाओ मैं चेकआउट करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जस 1 मेल एंड 2 फीमेल है, और ये हमारी क्यूट से लाइटनिंग वाइब्रेंट देख रहे हो कितने ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हमने रिस्क तो लिया था भाई उस खतरनाक सी गुफा में जाने का, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी हमको यहाँ पे मिल चुका है, हमको जो है ना 3 खतरनाक से लाइटनिंग वाइब्रेंट क्यूट से भाई, क्यूट नहीं थोड़ा सा भद्दे लग रहे हैं गाइज, आपको जो है ना गाइज ये लाइटनिंग वाइब्रेंट क्यूट लग रहे हैं या भद्दे लग रहे हैं भाई, अभी के लिए इनका मुंह देख के भाई आपको नीचे कमेंट करके बता देना है गाइज, ठीक है। और ये लाइटनिंग वाइब्रेंट की छोटी सी जो फौज है ना भाई वो यहाँ पे हमारी बन चुकी है, अभी इनको बड़ा करने का जो काम है ना भाई वो अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे, अगले एपिसोड नहीं भाई आज के इस एपिसोड में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं अपन जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे जाके कर लेते हैं भाई, ठीक है लेट्स गो गाइज। ओके गाइज तो यहाँ पे जो है ना भाई ये रहे हमारे छोटू से 3 बेबी वाइब्रेंट, अभी इनको जो ना गाइज हमको ग्रो पोशन खिलाना है, वो मेरे पास सिर्फ 2 ही ग्रो पोशन है यार, ठीक है एक इसको खिला देता भाई ये फटाक से बड़ा हो जाएगा, ओ मागो तुरुला, ठीक है भाई ये मेरे को भाई नहीं चाहिए भाई, ठीक है ऑलराइट आ जा भाई ऑलराइट, अभी इसको खिलाएंगे भाई ये भी फटाक से बड़ा हो जाएगा, ये मेरे को चाहिए क्योंकि ये 500 लेवल का है भाई, ठीक है। एंड मेरे पास क्या मेटल पड़ा हुआ है यहाँ पे, यार बदकिस्मती ये है कि मेरे पास मेटल ही नहीं पड़ा भाई, आ जा वाइब्रेंट के बच्चे वेट करा भाई तेरे लिए थोड़ा सा मेटल लेके आता हमें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो वाइब्रेंट की आर्मी है ना भाई वो रेडी हो चुकी है, मतलब भाई फिलहाल के लिए तो अपने पास लाइटनिंग ही वाइब्रेंट है और कोई वाइब्रेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो इनको वाइब्रेंट की आर्मी तो नहीं बोल सकते, हेलो व्हाट द, आजकल मेरे को ये समझ में नहीं आता मेरे को इसमें से मेटल क्यों नहीं मिलता भाई, आजकल मेटल की जगह सैंड क्यों मिलने लगा है गाइस, क्योंकि ये पत्थर सैंड वाले नहीं है, इम्पोसिबल व्हाट द हेल गाइस, ये कौन सा लॉजिक है भाई, नो लॉजिक ओनली मैजिक भाई, ठीक है भाई भाई ओनली सैंड मिल रहा है भाई, हाँ ये रहा मेटल का पत्थर, रुक जाओ यहाँ से मेटल इकट्ठा कर लेता बहुत सारा भाई, भाई समझ में नहीं आता भाई मेटल के पत्थर में से आजकल ओनली मेटल मिलता है भाई, बाकी के पत्थर में से तो भाई सैंड मिंट मिलने लग गया भाई, ठीक है बस हो गया भाई 600 मेटल से तो बहुत कांड हो सकते हैं भाई, ठीक है आ जाओ भाई। अभी जो फाइनल वाला हमारा वाइब्रेंट है ना भाई इसको भी यहाँ पे जो ना बढ़ा करने का टाइम आ चुका है, चौला बीबी देखो तो भाई कैसे बैठा भाई, कोई ना ब्लू 3-4 नकुल लेना ब्लू, ठीक है ले तेरे लिए भी बना लिया मैंने भाई, ठीक है ये ले बेटे ग्रो अप पोशन, बड़ा हो जा भाई ये भी 164 लेवल का ही है भाई। अभी जो ना गाइस आपको जो ना भाई मेरी वाइब्रेंट की आर्मी जो है ना भाई वो मैं यहाँ पे दिखा देता गाइस, ठीक है रुक जाओ भाई मैं अपनी खतरनाक सी वाइब्रेंट की आर्मी जिसमें भाई 2 फीमेल और 1 मेल है ना भाई वो दिखा देता भाई, ठीक है लेट्स गो। अभी यार ऐसे दिखाऊंगा वैसे आपको,
आपको दिखा, अबे पानी में कैसे गिर गया बे? हाँ थोड़ा सा जमीन पे दिखा देता ना भाई, पानी में जो ना भाई दिखा नहीं पाऊंगा आपको भाई यार में भाई, ठीक है रुक जाओ थोड़ा जमीन पे दिखा देता भाई। ये हाई लेवल का है क्या? लग तो रहा है भाई, इसका डैमेज काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। नाइस वन, नाइस वन, इसका डैमेज काफी सही है भाई, 750 डैमेज दे रहा है भाई, जो कि काफी ओपी डैमेज है मेरे हिसाब से भाई, ठीक है मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा ओपी डैमेज है भाई, ठीक है क्योंकि मेरा पीटी तो भाई 200 का ही डैमेज दे पाता है भाई। तो गाइज ये रही हमारी वाइब्रेंस की फौज भाई, ठीक है ये रही हमारी खतरनाक सी वाइब्रेंस की फौज। और वाइब जिसमें तीन वाइब्रेन है, 165 लेवल के 2 वाइब्रेन एंड 548 लेवल का 1 वाइब्रेन। अभी इनसे जो है ना भाई इनको चला के इनका डैमेज भी जो है ना मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम यहाँ पे हैज करने वाले रॉक ड्रेक के अंडों को, जो हमारे एक प्यारे प्यारे मित्र ने हमको दिए भाई। एंड उस टाइम जब ये अंडे हैच हो रहे होंगे ना, तब अपन लाइटनिंग वाइब्रेंट से जाके किसी ना किसी खतरनाक डायनो से यहाँ पे फाइट करके आ जाएंगे। तो गाइस हमारी लाइटनिंग वाइब्रेंट की जो टोली है वो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना। और ये सर्वर पब्लिक सर्वर है, जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना भाई, आपको इसका आईपी और पासवर्ड डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा और डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चले गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इन वाइब्रेंट आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, ठीक है सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it.